हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल, मतलब जो डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करेंगे पॉलिनोमियल के केस में, ये क्या होता है आपको समझाते हैं। आप लोग सिंपली जो होता है लॉन्ग डिवीजन सुने होंगे, डिवीजन सुने होंगे ना, कि जैसे ही हम क्या होता है कि हमारे पास दो नंबर होता है और उसमें से एक बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो भाई कुछ ना कुछ क्या आता है, कोशेंट आता है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है। तो हम लोगों ने इसको डिवाइड करते करते हम लोगों की जिंदगी खत्म हो गया। लेकिन यूक्लिड साहब जो थे उन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे एफर्ट के बाद, बहुत सारे प्रैक्टिस के बाद जो है उन्होंने जो डिवाइडेंड था, डिवाइजर था, कोशेंट था, रिमाइंडर था, इसके बीच में जो है उन्होंने एक रिलेशन, एक नाता, एक दोस्ती एस्टैब्लिश कर दिया, ठीक है, जो कि हमारे लिए वो काफी यूजफुल हुआ। कि जैसे भी मान लेते हैं कि अगर हमें जो है, अगर उस तीनों में से जो होता है कोई भी एक अननोन नहीं पता हो तो उसको इजिली पता कर लेंगे। जैसे हमको डिवाइडेंट नहीं पता है लेकिन उस क्वेश्चन में डिवाइजर दिया है, कोशेंट दिया है, रिमाइंडर दिया है, लेकिन डिवाइडेंट नहीं दिया है, तो डिवाइडेंट को हम इजिली पता कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात जो है, हमारा डिविजन जो होता है राइट है या रॉन्ग है उसको चेक करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि आपको सबसे पहले एक नंबर से आपको सिखाएंगे, देन उसके बाद पॉलिनोमियल में इसको आपको घुसा डालेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं एक हमारा 10 है, 10 नंबर है, एक 3 है। अब हम क्या करते हैं, 3 से जो होता है 10 को डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे 3 बार में 9, आपका क्वेश्चन रिमाइंडर में 1 आ गया, कोई बात नहीं है। तो यहां पे जो डिवाइडेंट को हम डी कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, जो कि डिवाइडेंट जो है 10 है, और जो डिवाइजर उसको स्मॉल डी से, जो कि 3 है, और कोशेंट जो है उसको 3 है, और रिमाइंडर जो है वह जो है आपका 1 है, ठीक है। तो वह मैथमेटिशियन जो यूक्लिड साहब जो थे, एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया, इसको देख लेते हैं, उन्होंने दिए थे डिवाइडेंट जो है, डिवाइडेंट जो है इक्वल होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज इसमें जोड़ दिए कि रिमाइंडर जो है आपका होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, अगर 0 नहीं है तो 0 से ज्यादा होगा, हाँ भाई, तो या तो 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा, उसको साइन भी से डिनोट करते हैं। लेकिन ये जो रिमाइंडर भले ही 0 हो जाए, लेकिन 0 से ज्यादा हो जाए, लेकिन डिवाइजर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डिवाइजर से ज्यादा क्यों भाई, डिवाइजर से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिवाइजर से ज्यादा होगा फिर डिवाइड कर लोगे, अगर डिवाइजर के इक्वल हो जाए तो फिर भी डिवाइड कर लोगे, लेकिन डिवाइजर की जो डिवाइजर रिमाइंडर जो था डिवाइजर से कम हो जाए तो उसको डिवाइड थोड़े करो। जैसे यहां पे देखो 1 है गया, तो इसको थोड़ा डिवाइड करो। आप कहोगे हाँ डिवाइड क्यों नहीं करेंगे डेसिमल, अरे भाई डेसिमल के केस थोड़ी है, यहाँ पे डेसिमल वाला थोड़े हम सॉल्व कर रहे हैं कि आप यहाँ पे डेसिमल लगा के इसको आगे तक सॉल्व करोगे, नहीं वो वाला नहीं है, विदाउट डेसिमल केस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ गए, अब इसी चीज का यूज जो है हम पॉलिनोमियल के केस में पढ़ेंगे मेरे भाई। तो यहाँ देख लीजिएगा, तो ये देखिए, मान लेते हैं कि सपोज जो हमारा एक पॉलिनोमियल पीएक्स है, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू मान लेते 3x4 है, -4x³ है, -3x है, -1 है, एक हमारा पीएक्स पॉलिनोमियल है, और एक जो है जीएक्स जो है पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू दिया है एक्स -2 दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है अब आपका कुछ ना कुछ इसमें तो कोशेंट आएगा, हाँ कोशेंट आएगा ही आएगा, और कुछ ना कुछ इसमें रिमाइंडर आएगा ही आएगा, हाँ आएगा कोई बात नहीं। तो जैसे ही अगर आप पीएक्स पॉलिनोमियल को जो है पीएक्स पॉलिनोमियल को जीएक्स से डिवाइड करोगे तो कोशेंट आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो अब इसका यूज हम तो इसको कैसे स्टेटमेंट जारी करेंगे, तो हमारा हो जाएगा डिवाइडेंट कौन सा है पीएक्स है, तो पीएक्स जो है वह इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेंट क्या है जीएक्स हो गया, और इनटू जो होता है कोशेंट क्या हो गया क्यूएक्स हो गया, एंड रिमाइंडर क्या हो गया आरएक्स हो गया, ठीक है। तो यही अपना है, और इसके साथ साथ उन्होंने पॉलिनोमियल केस में जैसे उन्होंने एक नंबर केस में जोड़ा था उसी तरह जो है उन्होंने जो है पॉलिनोमियल के केस में भी जोड़ दिया, बोला कि आरएक्स जो है या तो आपका 0 हो सकता है, या जो है
इसकी डिग्री जो है डिवाइजर से कम होनी चाहिए, इसकी डिग्री जो है डिवाइजर से कम होनी, क्योंकि भाई इसकी डिग्री डिवाइजर से ज्यादा होगी तो फिर डिवाइड करोगे, उसके इक्वल होगा तो फिर अगेन डिवाइड करोगे, लेकिन उससे कम हो गया तो उसको डिवाइड नहीं करोगे, आप उस डेसिमल वो सब मत जाओ, ठीक है। तो या तो इसकी डिग्री जो है, डिग्री जो है आर एक्स की जो डिग्री होगा ये जो होता है लेस हुआ किससे, डिग्री ऑफ जो है जी एक्स, ठीक है। तो हम लोग वो मान लेते, चलिए इसको वेरीफाई कर चेक करते हैं कि अगर पॉलिनोमियल पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कुछ ना आएगा, कुछ आएगा ही, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा ही, उसके बाद हमको चेक करना है, इसको वेरीफाई करना है कि ये जो था स्टेटमेंट को ये वेरीफाई कर रहे हैं कि नहीं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए और कुछ नहीं, आपका डिवीजन एल्गोरिदम यही, इसी को हम इसी प्रोसेस को, इसी जो स्टेप ऑफ जो है एक मतलब कह सकते हैं एक आपका प्रोसेस को, इसी को हम क्या कहते हैं डिवीजन एल्गोरिदम, किस केस में है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल केस में डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं, तो हम चलिए इस पे एक एग्जांपल करते हैं। जैसे यहां पे देखिए, मान लेते हैं हमारा जो पॉलिनोमियल वही है पी एक्स है, ठीक है। तो पी एक्स कितना है, 3x^4 - 4x³ - 3x - 1, ठीक है। और जी एक्स क्या है, तो जी एक्स जो अपना है x-2 है, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं तो x-2 से 3x^4 - 4x³, देखिए यहां पे एक और डिग्री खत्म है उसको भी लिख लीजिए, दिक्कत ना होगा, 0x² से लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, -3x - 1, ठीक है। इसे लिखने से आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करना। देखिए सबसे पहले आपको यहां पे तो इसकी जो पावर है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ रहता तो आपको कर लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस डिवाइडेड के फर्स्ट टर्म को इस डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, जिससे जो हमारा कोशेंट आएगा वह कोशेंट का फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो यहां देखिए अब हम यहां पे करते हैं तो 3x^4 से जो है x से डिवाइड करते हैं, ये x से ये कट गया, यहां पे 3 बच गया, तो ये हमारा गया 3x³। अब 3x³ से x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3x^4 हो गया, उसके बाद अगेन इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3×2=6x³ आ गया, ठीक है। या प्लस या माइनस, यहाँ प्लस क्योंकि सबट्रैक्ट करें तो साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ कितना हुआ 2x³ + 0x²-3x - 1 आ गया, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा, ये जो अब आपका क्या हो गया, ऐसे मान सकते हैं कि ये आपका क्या काम कर रहा है, ये जो है आपका डिवाइडेंट का और ये डिवाइजर का। तो फिर क्या करेंगे, इसके फर्स्ट टर्म को जो होता है इस डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो कोशेंट का सेकेंड टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x³ है और इसको डिवाइड करेंगे x से, x से कैंसिल हो गया, 2x², तो +2x² हुआ, तो 2x² से x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, -4 जो है -4x², ठीक है। तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस जो है, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया 4x² - 3x - 1 आ गया, ठीक है। अब यहां देखिएगा, अभी भी अपना जो इस रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवाइजर के डिग्री से ज्यादा है, तो फिर भी अपना कहानी चलता रहेगा। तो फिर अगेन जो है इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो है 4x² को जो होता है डिवाइड करेंगे x, तो यहां से x खत्म, एक हो गया एक बचा, तो यहां पे +4x आ गया, +4x से x मल्टीप्लाई करोगे तो 4x², फिर अगेन जो है 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8x हो गया, ठीक है। तो यहां देखिएगा, यहां माइनस हो गया प्लस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, और यहां पे कितना हो गया 8 - 3 गया 5x हो गया, और ऊपर से आया -1 आ गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए इसकी डिग्री कितना है, 1 है, डिग्री 1 है, इसका मतलब अगेन डिवाइड होगा, तो फिर इसके फर्स्ट टर्म को जो होता है डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 5x को जो होता है जब x से डिवाइड करो कैंसिल, तो +5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो 5x हो गया, और 5×2=10 हो गया, 10 ये माइनस ये प्लस कैंसिल, कितना हो गया 9। अब देखिए इसकी डिग्री कितना है, 0 है,
यहाँ पे x के रेस टू पावर जीरो मतलब इसकी डिग्री कितना है, जीरो है। इसका मतलब जो होता है अब इसको फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि हमारा जो जो डिवाइडेंट है मतलब px जो है, px जो कितना आया है, px जो आपका आया है आपका कितना 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस जो होता है या माइनस है माइनस 3x माइनस 1 है। उसके बाद जी एक्स जो है वह है एक्स माइनस टू है। उसके बाद जो है आर एक्स जो है उसके बाद क्यू एक्स जो है, क्यू एक्स कितना है वह 3x पावर क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आर एक्स जो है वह कितना है, नाइन है। अब इसको वेरीफाई करते हैं, अपना स्टेटमेंट क्या था, वह था आपका पी एक्स जो है इक्वल हो जाता है क्यू एक्स इंटू जो है आर एक्स, क्यू एक्स इंटू पी, यहाँ पे जो होता है आपका क्यू एक्स इंटू जी एक्स लिख सकते हो, जी एक्स प्लस आर एक्स हो गया। चलिए तो यहाँ पे पी एक्स जो आपका ये हो गया इतना इतने इसके इक्वल आ जाना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्यू एक्स क्या आ गया, ये आपका 3x क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 2 से जो है और प्लस आर एक्स कितना है, 9 है, ठीक है। तो कितना हुआ 3x पावर 4 हो गया। फिर अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ तो 2x क्यू, फिर इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, फिर इसको 5x जो है ओके, फिर अब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 जो होता है माइनस 6x क्यू हो गया। उसके बाद माइनस 2 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x स्क्वायर जो है, फिर माइनस 2 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8x हो गया, और माइनस 2 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 हो गया, ठीक है, माइनस 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 10 हो गया, अब कुछ बचा हुआ है माइनस 5 से 10, ठीक है, यहां देखिएगा और माइनस 10 हो गया प्लस 9 यहाँ पे छूट गया था। तो यहाँ देखिए 3x पावर 4, यहाँ q वाला कहाँ पे है 2x क्यू और कहाँ पे है 6x क्यू। अब देखिए तो यहाँ पे जो है 6x में से जो है 2 जाएगा कितना होगा माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4x क्यू आ गया। तो ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो, अब x स्क्वायर पे ये प्लस 4x स्क्वायर है माइनस 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 0 हो गया, कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद होता है x तो 5x हो गया, ये माइनस 8x हो गया तो माइनस 3x आ गया, माइनस 3x आ गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस 10 होता है माइनस 10 प्लस 9 ये कितना होगा माइनस 1 आ गया, आगे आपका वेरीफाई हो गया। तो देखिए इसका यूज होता है हम लोग जो होता है डिवीजन को चेक करने के लिए करते हैं या कोई भी अननोन होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए करते हैं इस डिवीजन एल्गोरिदम का, ठीक है। थैंक यू, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, और आप पहले से मेरे दोस्त बन चुके हैं तो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू माय फ्रेंड्स।